प्यार साथियों, मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की है सीएसबीसी ने। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम जो है सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे है और यहाँ देख लीजिए 13 अप्रैल 2023 के ही डेट में एक रिजेक्ट लिस्ट जारी किया है और यह रिजेक्ट लिस्ट जो है काफ़ी अधिक मात्रा में जारी किया गया है। काफ़ी स्टूडेंटों का लिस्ट जो है वो रिजेक्ट किया गया है और साथ ही साथ आप लोगों के एग्जाम के बारे में, साथ ही साथ आप लोगों के एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ नोटिस जारी कर दिया गया है। तो चलिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं, तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिजेक्ट लिस्ट जो जारी किया है उसे डाउनलोड कर दिखा देता हूं। यहां आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट नोटिस, लिस्ट ऑफ इनवैलिड एप्लीकेशन विद रीजन ऑफ रिजेक्शन रिलेटेड टू प्रोविजन कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एडवर्टाइज नंबर 02/2022 आप लोगों को याद होगा। तो इस नोटिस को हम सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए नोटिस डाउनलोड हो चुका है। सबसे पहले देखिए कुल अभ्यर्थी जो है जिनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है वो 8853 है। जी हाँ, 8853 अभ्यर्थियों का फॉर्म जो है रिजेक्ट किया गया है। और यहाँ देखिए सभी का क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और रिमार्क भी बताया गया है क्यों आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, कुल 246 पेजों का है। मैं सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम के बारे में बता दूँ जो दूसरा नोटिस जारी किया है। तो यहाँ देखिए केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, बताया जा रहा है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के 689, जी हाँ 689 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन संख्या इतना के क्रम में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 14 मई 2023 यानी रविवार को प्रथम पाली में निम्नांकित कार्यक्रम अनुसार की जाएगी। तो 14 मई 2023 को आप लोगों की एग्जाम होनी है। जी हाँ, दिनांक दिया गया है, प्रथम पाली में आप लोगों की एग्जाम होगी। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे चलेगी, 10 बजे से 12 बजे तक आप लोगों की परीक्षा का समय है। अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम यानी आप लोगों को एग्जाम सेंटर 8 बजे ही पहुंचाना है। अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र में प्रवेश 9 बजे तक पूर्वांत तक, यानी आपको परीक्षा केंद्र में 9 बजे तक पहुँच जाना है और 8 बजे आपको रिपोर्ट करना है, उसके बाद 9 बजे आप लोगों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है, 27 अप्रैल 2023 को आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा। कहाँ जारी किया जाएगा, तो सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और आप जो है क्या कीजिएगा, मैं इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है इस पूरी पेज को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करने पड़े। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा से OMR के बारे में बताया गया है, यहाँ जो है आप लोगों के जानकारी के लिए ताकि पहले ही आप अवगत हो जाए उनके लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया गया। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।